अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और वापस आप सबको सेमी नामा में खुश आमदीद। हाँ, मेरी पिछली वीडियो भी सेमी नामा थी, लेकिन क्या करूँ भाई, दुनिया में टॉपिक्स और न्यूज़ भाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सोचा यही बनाती हूँ वापस। नाम एक ऐसी चीज होती है जो आपकी पहचान होती है, और नाम हर इंसान का जरूरी है। अब सोचो अगर किसी का नाम ही नहीं होता तो कितना अजीब सा लगता ना दुनिया में। अब किसी बंदे को कहते हैं अबे इधर आ, 100 बंदे आ जाते एक साथ, हाँ भाई क्या हुआ। इसीलिए ना बहुत सोच समझ के नाम रखे जाते हैं, और खास तौर पे खानदान में, खानदान में और आसपास में वैसा नाम का कोई और बंदा नहीं हो। अब खानदान में अगर सब बच्चों के नाम एक ही हो तो कैसा हो? सुने शपीर के अप्पा इधर आए, पता चला सब शपीर के अप्पा सामने आ गए। हाँ आपने बुलाया हमें, और जो असली शपीर का अप्पा है ना वो किसी और शपीर की अम्मा के साथ लगा हुआ हो। इंडोनेशिया में ना एक आदमी ने ना इस बात को ना बहुत ज्यादा ही सीरियस ले लिया, ऐसा यूनिक नेम लेके आया ना मार्केट में, आपने सुना ही नहीं होगा। ABCDEFGHIJK, ये बच्चे का नाम है उसके। उसका कहना था कि भाई मुझे बचपन से ना इंग्लिश के अल्फाबेट ना बहुत ज्यादा ही पसंद है, तो मैंने अपने बच्चे का नाम ही यही रख दिया। जरूर बचपन में ना मिस ने मार मार के इसको ABCD याद करवाई थी, ऐसे दिमाग में जाके फिट हुई है ना उसके कि उसने बच्चे का नाम ही यही रख लिया। अबे पूरी ए से लेके सी तक ही कर देता भाई, तुम्हारी वजह से ना मुझे ये वाला गाना ना बीच में ब्रेक करना पड़ता है। ABCDEFGHIJK, देखो कितना अजीब सा लग रहा है यार, पूरा फ्लो खराब कर दिया। अगर आप लोग को नाम अच्छा लगा है तो भाई आप लोग भी फ्यूचर में अपने बच्चे का रख रहे ना ऐसा ही नाम। अबे ये हस्बैंड वाइफ के भाई अजीब ही फंटे हैं भाई दुनिया में, कहीं पे भी दुनिया में हो ना इनके अजीब ही कारनामे चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है मार्केट में। पर इटली में एक आदमी को ड्रग्स के केस में ना सजा सुनाई, और सजा में ना उसको जेल में जाने के बजाय ना कर में ही नजर बंद कर दिया गया। अब वो कर में ही बंद रहेगा, निकल नहीं सकता कहीं पे भी। सुनने में तो बड़ा रिलैक्स लग रहा है कि भाई जेल में नहीं गया, उसकी जगह घर में रहेगा फैमिली के साथ। लेकिन भाई कुछ दिन बाद वो खुद ही भाग के आ गया, भाई मुझे जेल में बंद कर दो, मेरी बीवी ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया। अबे घर में नजर बंद गया लेकिन वाइफ के लिए तो सो व्हाट, घर का सामान कौन लेके आएगा भाई, मियाँ ही तो करेगा ये सब। अब मुन्ने के पैंपर खत्म हो गए, कौन लेके आएगा? घर में दूध खत्म हो गया, कौन लेके आएगा? राशन खत्म हो गया, कौन लेके आएगा? सुनाती होगी बीवी इसको सही वाला कि ऐसे ही आके बैठ गया घर में सुस्ती की तरह, ना काम का ना काज का, मुन्ने का पैंपर भी नहीं लेके आ सकता। अबे कुछ ही नहीं कर रहे तो मुन्नी की पोटी साफ करवा दो, ये कमरे साफ कर दो, किचन में मेरी आके मदद ही करवा दो। क्या करते हो सुबह उठ के? तुम्हें नाश्ते खिलाती रहूं, तुम्हें खाने खिलाती रहूं, तुम कुछ नहीं करना, मैं तुम्हारे लिए आजाद हूँ, तुमने काम किया तुम्हें सजा मिली, लेकिन तुम तो मेरे लिए मुसीबत बन के बैठ गए। ऐसे कुछ उसके साथ हुआ होगा जिंदगी में, वो पाओं में क्रिकेट जज के भाई मुझ पर रहम करो, मुझे जेल में बंद कर दो। अब वो जेल में बंद है और सुनने में आया है वो अपनी जिंदगी के हसीन दिन गुजार रहे हैं वहां पे। इजिप्ट के शहर कायरा में भाई एक चोर को ना दुनिया का सबसे अहमक तरीन चोर करार दे दिया गया है। सच में उसकी हरकत ऐसी है कि भाई आप भी उसको यही बोलोगे। हुआ ये कि एक न्यूज रिपोर्टर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था अपने न्यूज चैनल के लिए जो उनकी वेबसाइट पर नशर हो रही थी, इतने में एक चोर बाइक में आया, तुम मचाते तुम मचाते तुम, और उसके हाथ से मोबाइल लेके ना भाग किया। मगर चोर को पता ही नहीं था कि भाई ये सेल्फी नहीं ले रहा, ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। उसने मोबाइल चेक करने के लिए जब मोबाइल अपनी तरफ किया तो भाई पूरी दुनिया ने उसका चेहरा देख लिया, सुट्टा उट्टा लगाते हुए फुल भाई गैंगस्टर लुक दे रहा था वो। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग पे जो लोग उसको देख रहे थे ना उनमें से तो कुछ ने पहचान भी लिया इसको, क्या पे ये तो रसाक पानवारी की गली में रहता है। तो फिर क्या था, पुलिस हो गई एक्टिव, 24 घंटे के अंदर उस चोर को पकड़ लिया गया, और ये मना भी नहीं कर सकता कि भाई मैंने नहीं किया। अबे इसके खिलाफ तो इतने सारे गवाह हैं। ये रो एक और इजिप्ट की न्यूज, अबे आजकल बड़ा हिंड हो गया मार्केट में। हुआ ये कि एक आदमी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो हॉस्पिटल चला गया, डॉक्टर साहब के पास गया कि डॉक्टर साहब मेरे को कब सो रहे हैं, सब इनकमिंग चल रही है, आउटगोइंग कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ करो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने उसके कॉन्स्टिट्यूशन की भाई सब चीजें चेक करी लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि भाई इसको क्यों हो रहा है ये सब कुछ, तो उन्होंने कहा इसका भाई सीटी स्कैन करते हैं पता चल जाएगा है क्या इसके साथ। तो पता चला कि भाई इसके पेट में कोई ऐसी चीज है जो खाने पीने की नहीं है, और वो ऐसी जगह में बसी हुई है जहाँ पे उसकी आउटगोइंग हो ही नहीं रही कुछ, नहीं, ये कोई इसके अंदर कीड़ा नहीं था, ये उसके अलावा भी कुछ चीज थी। तो उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद पता चला कि भाई उसके पेट के अंदर से ना एक मोबाइल निकला है शॉपर में बंद। अब सब परेशान, अबे ये क्या सीन है, ये मोबाइल कैसे पहुंच गया? तो जब आदमी को होश आया तो पता चला कि भाई वो ऐसी हरकतें हमेशा करता है, सिक्योरिटी से बचने की वजह से ना वो मोबाइल ना मुंह के अंदर डाल देता है, फिर 2 या 3 दिन बाद ना मोबाइल निकल जाता है। अब उसका मोबाइल कहाँ से निकलता है वो मैं नहीं बताऊंगा भाई, खुद सोच के अपना दिल खराब करो। लेकिन भाई ये वाला मोबाइल ना बस गया, ये निकला ही नहीं, वहीं जाके अटक गया बीच में, बड़ा ही चुखत आदमी था ये। अबे ऐसा क्या नफसियाती हरकत करना, अबे शुगर करो भाई, पेट में ही बसा था, अगर कोई सांस वांस वाली नाली में बसता था ना तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होते, सीधा ऊपर की फ्लैट निकलती तुम्हारी।
अबे इंडिया में एक बंदा ना बड़ी अजीब रिपोर्ट लेके गया पुलिस वालों के पास कि बहुत दिनों से ना मेरी पैंट्स टूट नहीं दे रही, देखो क्या मसला है उसके साथ। अबे ऐसा भी होता है क्या? ये रिपोर्ट भी लिखवाई जाती है? अबे मुझे भी मच्छरों के खिलाफ कंप्लेन करवानी है भाई। अबे कमीने रातों को काट काट के ना बुरा हाल करते थे, मॉर्टिन वॉर्टिन ये सब बेकार है उनके आगे। पुलिस वाले भी परेशान हो गए भाई, ये क्या सीन है, अब हम क्या करें इस बारे में। अब ये रियल पुलिस वाले थे, सिंगम भी नहीं था, जो सिंगम सिंगम करता और वो खुशी से टूट देती थी। तो पुलिस वालों ने उसको तसल्ली दी कि हम आके चेक करते हैं, तुम फिक्र नहीं करो, हो जाएगा सब सही। और मजे की बात के भाई हो भी गया सब सही, भैंस ने ना दूध देना स्टार्ट भी कर दिया। भाई भरम देख रहे हो पुलिस के, सिर्फ नाम से ना भैंस ने दूध दे दिया। उसको भी पता था कि भाई नहीं दिया ना ये पुलिस वाले सारे किसी और केस में बंद कर देंगे मुझे। फिर उस आदमी ने पुलिस में आकर उसका शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से हुआ है सब कुछ। मैं बता रहा हूँ उस एरिया में राइन रख जाएगी, जब भी कभी कोई दूध नहीं देगा ना सब पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे अपनी कंप्लेन लेके। एंस वालों ने एक नया कैचअप का एडिशन बनाया है जो मार्स के टमाटर से बना है। हाँ वही मार्स भाई, जो दूसरी दुनिया में, जहाँ पे इंसानों को चाने की बड़ी चुड़ कटी हुई है आजकल, जिसपे मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, जाके जरूर देखना वो भी। तो अब लोग सोच रहे होंगे अबे इंसान मार्स में तो गए नहीं अब तक, तो वहां से टमाटर कैसे आ गए भैया? उन्होंने दुनिया में ना मार्स जैसा ना भाई माहौल बनाने की कोशिश करी। उन्होंने दी साइंटिस्ट लोगों से मदद, और साइंटिस्ट वाले भाई आजकल कुछ भी कर लेते हैं, तो उन्होंने ना उनको ऐसा माहौल बना के दिया, आबो हवा वहां की बना के दी, वहां पे किस तरह की मिट्टी है वैसे बना के दिया। तो ऐसा पूरा सेटअप बना के दिया उनको। 2 साल लगातार खुआरी के बाद वो लोग टमाटर उगाने में कामयाब हो गए, और उन्होंने बना लिया अब ये कैचअप। अब पता नहीं है कैसा होगा भाई, मैं तो ट्राई करने वाला नहीं हूँ, आप में से कोई ट्राई करना तो मुझे बताना। अब पता चला खाने के बाद मैं जादू बन जाऊँ। न्यूजीलैंड में वहां के सरकारी जादूगर को जॉब से निकाल दिया गया। हाँ जादूगर, इट्स मैजिक इट्स मैजिक, वही वाले जादूगर जो होते हैं ना उसको निकाल दिया। बताओ वहां पे जादूगर को भी सरकारी जॉब मिली हुई थी, और यहाँ तो कहाँ थे हम। 35 साल वो उस जॉब पे था, लोगों को इंटरटेन करता था, छोटे मोटे ट्रिक्स करता था। ये देखो मेरी 4 उंगलियां है, अरे पीछे तो कोई आ रहा है, सब देखो पीछे, ये देखो मेरी 3 उंगलियां हो गई, अरे वाह क्या जादू करते हैं अंकल, तारिया। तो इस तरह की वो ट्रिक्स कर करके ना लोगों को बनाते थे, और लोग भी बड़े खुश थे, इंटरटेन होते थे। अब 35 साल की जॉब के बाद ना उनको निकाल दिया गया है, और वजह ये है कि अब कल्चर चेंज हो गया भाई, अब समझ में आ गया लोगों को, मोबाइल से ना वो सब चीजें पकड़ लेते हैं, ये सब अब लाइफ में सबको कुछ नया मांगता है, सेमी यार मांगता है। अबे कंटे डायपर्स कौन चुराता है भाई, अबे क्या करेगा इसका वो। भाई हुआ ये कि कनाडा में पुलिस एक ऐसे चोर को तलाश कर रही है जो डस्टबिन में से बच्चों के कंटे डायपर्स लेके भाग जाता है। अबे कुछ सादे संगी आदमी नहीं है ये? हाँ लोगों के शौक होते हैं, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा शौक किसी का नहीं देखा भाई। पुलिस ये तो पता कर चुकी है कि भाई ये एक जवान रॉन्ट है, और इसके पास भाई ब्लैक बाइक है, लेकिन पकड़ नहीं सके अभी इसको। अबे कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट तो नहीं है ये, कोई अजीब सा नमूना चीज तो नहीं बनाने वाला? अबे CIT के एपिसोड मुझे याद आ गए, उसमें ऐसे ही होता है। अबे वरना कच्चे लेके क्या करेगा कोई बच्चों के। ये तो मैं तेरे से कह रहा हूँ कि भाई उसको जल्दी से पकड़ो, मैं जानना चाहता हूँ उसके साथ क्या मसला है भाई, दुनिया में उसके साथ क्या हुआ है जो वो ये कर रहा है, जल्दी पकड़ लो वरना कहीं वो पैंपर्स का ना महल ना बना रहे पूरा। तो बस ये बच्चों के गंदे डायपर्स के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंशाल्लाह वापस जल्दी मिलेंगे। जब तक आपको पता है अब क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब फॉलो ये सब चीज़ें आपको करनी है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।